तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर से मेरी पतंग और नीचे से हमारा अपोनेंट है। देखो पट्टीदार वाली पतंग हमारी अपोनेंट के लिए और जो कॉफी कलर वाली पतंग है ना ये हमारे लिए। तो पेज देखो मैं कैसे काटूंगा। ओ भाई काटने से पहले टूट गई पतंग। तो यहाँ पे एक और पेज चल रहा है, इससे पहले वाली पतंग टूट गई थी तो ये बाहर की खींची और देखो आराम से हमने डबल के ना के अला पेज काट। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल कैडेवर ऑफिशियल। तो आज की वीडियो देखो हम ये सारी पतंग उड़ाने वाले हैं और इन सारी पतंगों में ना हमने कन्या ने बांध रखी। कन्या ने देख लो सब में बंधे। और एक चीज़ और, आप लोग कह रहे हो कि भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, भाई बस मन नहीं कर रहा था मेरा 3 दिन से वीडियो डालने का, इसलिए 3 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं आई। बस ऐसे ही मन नहीं था कि नहीं करा यार मन, मतलब रेगुलर मैं वीडियो डालता हूँ, कभी कभार होता है कि नहीं डाल पाता हूँ मैं वीडियो। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं डाली, बस मन नहीं था इसलिए नहीं डाली। तो आज की देखो फिर से अब वीडियो आ गई है और यारी पतंग उड़ाते हैं, दिखाते हैं आपको। अब देखो सीन कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं पतंग उड़ाने वाला था वो हमारे अपोनेंट ने ले ली। तो अब जो आपको वाली पतंग दिखती ना डोंगा वाली, वो हमारे अपोनेंट उड़ा रहा है और मैं उड़ा रहा हूँ मांगदर वाली। तो करता हूँ इस पतंग को पार, फिर आपको दिखाता हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई किस किस को वीडियो चाहिए ग्राउंड काइट फाइटिंग की, क्योंकि ग्राउंड काइट फाइटिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है, गर्मी आ चुकी है, मतलब आ रही है अभी आई नहीं है। तो गर्मी में आपको पता है मैदान काफ़ी लड़ते हैं बरेली में। तो अगर आपको वीडियो चाहिए ग्राउंड काइट फाइटिंग की कमेंट कर देना और आपको काइट लूटिंग की भी वीडियो मिल जाएगी वहाँ से। तो हमारी पतंग को जा रही है पार होके, दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो जो आपको स्काई ब्लू वाली पतंग दिख रही होगी ये हमारी रही, और जो हमारा अपोनेंट है देखो उसकी डोंगा वाली रही। आगे भी एक पतंग उड़ रही है, तो पतंगें काफ़ी उड़ रही हैं। पहले अपने अपोनेंट को काटेंगे फिर जो आगे पतंग उड़ रही उसको भी काटेंगे। ये गया मैं डबल की बनाई फिर बचाई। रखूँगा बाहर की गद्दा मारा आराम से लपेच काट रहा। देखो देखते हैं डोर आएगी नहीं आएगी, लपेटता हूँ शायद डोर होगी इसकी। देखो अरे आ गई, नहीं नहीं भाई वो आगे पेड़ में फंस गई थी, मुझे लगा कि मेरी पतंग में आ गई। अब इस वाले पेज में क्या हुआ, वो बंदा बाहर की खींच रहा था, हमें पता चल गया कि वो बाहर की खींच रहा। मैंने आराम से गद्दा मारा और यह लपेच काट दिया। देखो अब यहाँ पे देखो एक और हमारा पेज चल रहा है, जो मांगदरली पतंग है ना ये मेरी रही, मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ और ऊपर से हमारा अपोनेंट है। अभी हमारा अपोनेंट नहीं, आगे से जो पतंग उड़ रही थी ब्लैक वाली, ये बंदा वो वाला है। चलो इसकी भी काटते हैं, दिखाते हैं आपको। अब ना कुछ लोग बहुत परेशान करते हैं, देखो ये बंदा मतलब इतने पीछे से उड़ा रहा है और नीचे गद्दा नहीं रख रहा है। फिर इसने रखा, फिर उठा के ले गए देखो पतंग। रख दे भाई रख दे, कितनी देर लगाएगा, पूरी आसमान में ये चाह रहा है कि मैं पूरी आसमान में पतंग खींच दूँ। चलो थोड़ी सी और ऊपर पतंग करते हैं, रखा फिर उसने, फिर बचा लिया। क्या करना चाह रहा है यार ये। फिर रखा, देखो बार बार आपको उसकी पतंग दिख रही होगी, बार बार वो पतंग ऊपर उठा लेता है रख के। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बंदा बाहर की खींचेगा, चलो खींचता हूँ अंदर के अंदर खींची। अबे यार अब यहाँ पे क्या हुआ ना, उस बंदे ने बाहर तो खींची लेकिन अब की बार वो बंदा लेट हो गया, उस चक्कर में मेरी पतंग कट गई। समझे अब क्या हुआ, मतलब मैं तो अंदर की खींच रहा था लेकिन उस बंदे ने बाहर की खींचने में लेट कर दिया इतना कि उसकी पतंग जब चक्कर ओपी थी ना तभी मैंने अंदर की खींच दी और यहाँ पेज काट दिया। और देखो पतंग तो काट दी उसने, लपेट के भी ले जा रहा वो। अब यहाँ पर आप देखोगे वो बंदा पतंग लपेट के भी ले गया, ये देखो। देख रहा पतंग लपेट के ले गया बंदा, पतंग हमारी पहले काटी और लपेट के भी ले गया, हम लपेट ही नहीं पाते। हम जब भी किसी की पतंग काटते हैं ना कोई या तो और आ जाएगा लपेटने वाला या फिर हमारी पतंग टूट के चली जाएगी। चलो भाई फाइनली हमने कोई पतंग तो नहीं लपेटी लेकिन ना पीछे से एक पतंग कटी, उस बंदे की पतंग सामने फंस गई। हवा देख लो कितनी अच्छी चल रही है आज। और एक चीज़ और दिखाऊं, पतंग सामने फंसी थी तो मैंने सोचा ना जब मैं डोल निकाल रहा था इस पतंग की, ये देख रहे हो आप क्या सीन हुआ मेरे साथ, ये दीवार में एकदम रगड़ लग, लो पतंग फट गई। लो भाई हो गया कांड। अब इस पतंग के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, अपना हाथ भी छिलवा लिया इस पतंग के लिए, भाई क्या ही बताऊं मैं यार, किस्मत कितनी ख़राब है। देखो पतंग खींची ये फटी भी निकली और हमारा हाथ भी छिल गया इस पतंग के लिए। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था ना थोड़ी ये दीवार से देखो रगड़ लग गई, यहाँ पे पूरा हाथ छिल रखा है हमारा।
तो अगर पतंग ऐसा ऐसे फंसी हो ना आपकी कहीं पे, तो मतलब निकाला मत करो, अगर निकल सकती तो ही निकाला करो, वरना जबरदस्ती नहीं। और पतंग भी हमारे काम नहीं आई, जिसने भी उड़ाई थी बहुत बेमन से उड़ाई थी कि दूसरे को पतंग मिले ही ना, और यहाँ पे चोट अलग लग गई यार। चलो अपनी पतंग पार करते हैं, पेड़ उड़ा के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो हमने अपनी वाइट वाली पतंग पार कर दी है, और अपोनेंट ने फिर से देखो डोंगा ही पार करा है। उसे पता नहीं डोंगे इतने अच्छे लग गए कि बंदा कह रहा भाई मैं डोंगा ही पार करूँगा। मैंने कहा चल भाई तू डोंगा ही कर ले, मैं वाइट वाली करता हूँ पार। हवा काफ़ी अच्छी, ऊपर से मैं पेड़ उड़ाऊँगा। ठीक है मैं बाहर खींची, अब भाई कितने प्यार से देखो मैंने उसकी पतंग काटी है। मेरी पतंग ने ना डबल का एकदम मुंह बना लिया ऊपर उठा हुआ, और जैसे ही डबल का बनाया आराम से मैंने वाला पेज काटा उसका। ये देखो मेरी ये पतंग भाई, तो यहाँ पे जिस पतंग से मैंने काटी थी वो पतंग मेरी गई है टूट। पीछे से पतंग आई थी ना उसे लपेटा था मैं, गई पतंग मेरी। चलो अब जो हमारा अपोनेंट है वो पतंग पार कर रहा है अपनी रेड वाली, और जो कॉफ़ी वाली पतंग है ये मेरी रही। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि मैं कहाँ से पेड़ लड़ाऊँगा। डोर मिली थी मैंने अंदर के झटके लगाए, लेकिन वहाँ पे पेच कटा नहीं, फिर गया अंदर की खींची, ढील छोड़ी मैंने, ढील छोड़ दी उस बंदे ने, मैंने भी ढील छोड़ दी भाई, दोनों बहुत दिमाग का पेज लड़ा रहे हैं। लेकिन आप क्या, मैं खींच दूंगा बाहर की, फिर खींची काट दिया। देखो उस बंदे ने सेम पेज लड़ाया, मैं आपसे कहता ना पेज आप हमेशा चेंज करा करो अपने। अब दो बार पेज फंस गया था, मुझे पता था वो बंदा फिर से फंसाएगा, उसने फंसाया और मैंने आराम से बाहर की खींच के याला पेज काटा। पतंग हमारी आगे टैंक में फंसी है, निकल जा, और निकल गई पतंग। अब यहाँ पे देखो मेरी तो भाई सेम पतंग है ब्राउन वाली, जिससे मैंने अभी एक पतंग काटी है, और हमारा अपोनेंट कर रहा है ये पट्टीदार पतंग को पार। और पीछे से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पर भी काइट फाइटिंग हो रही है, और अपनी पतंग ये रही, आगे भी हो रही है। अब तो गर्मी आ गई यार, वैसे ही बरेली में लड़ेगी पतंग। चलो नीचे से हमारा अपोनेंट, ऊपर से मेरी पतंग रही। गया मैं पेच फंसा, अब कट गई यहाँ पे, लटक गई थी यार पतंग यहाँ पे और फंसते ही कट गई। तो हमारे अपोनेंट की देखो सेम पतंग है, और हमारी पतंग देखो चॉकलेट वाली, मैंने भी सेम पतंग पार कर दी। तो फिर से वो बंदा नीचे से लड़ाएगा, मैं ऊपर से लड़ाऊंगा, देखते हैं अब क्या कौन काटेगा। इससे पहले वाला पेच हमारा फंस गया था, और फंस के जैसे हमारी पतंग नीचे लटकी ना वहाँ पे पतंग हमारी कट गई। चलो भाई अबे यार इतना गंदा नसीब है ना कि मतलब पतंग एक तो मैंने पार करी और वो जब तक पेज लड़ता उससे पहले यहाँ पे हमारी पतंग कट गई है। तो ये वाली वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर दो भाई नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।